गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें चमगादड़ों का नेता बताया है। रूपाणी ने कहा कि राहुल गांधी को चमगादड़ की तरह गुजरात का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जहां कांग्रेस कई तरह से सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में कर 22 साल बाद सत्ता में वापस आने की कवायद लगाकर बैठी है, तो वहीं बीजेपी के लिए सत्ता विरोध लहर और बिना पीएम मोदी के बिना विधानसभा चुनाव की वैतरणी को पार करना चुनौती दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी राज्य में किए गए अपने विकास कार्यों और केंद्र सरकार की नीतियों के दम पर चुनाव मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के युवराज राज्य में 22 साल के बीजेपी शासन की पोल खोलने की बात कह रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद चुनाव की कमान संभाले हैं। राहुल गांधी राज्य में जहां भी रैली को संबोधित कर रहे हैं वहां बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के बीजेपी पर लगातार हमलों का सीएम रूपाणी ने कल शनिवार को इसका जवाब दिया। विजय रूपाणी जूनागढ़ में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान जब सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कर रहे थे तब उसी समय विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राहुल गांधी चमगादड़ों के नेता हैं। जैसे चमगादड़ को प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं देता वैसे राहुल गांधी को विकास नहीं दिखाई दे रहा है। रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस पागल हो गई है और विकास का मजाक बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कान खोल के सुन ले, विकास की बातें कांग्रेस के लिए चाहे जो भी हों लेकिन यह बीजेपी के लिए मिजाज है।